तो मैं वापस आ गया हूँ आपका मेजबान यानी कि तलत अजीज कारवाने गजल प्रोग्राम 92.7 बिग एफएम पर। और अभी मैं बात कर रहा था मीर तकी मीर की। अभी अभी जो मैंने बताया मीर के बारे में इससे पहले कि वो एक सूफियाना रंग उनमें था, इश्क भी करते थे वो, कमाल का। उनकी रोमांटिक शायरी अगर आप सुनेंगे तो वो पूछिए मत कैसी है। गजल की इब्तिदा जो है वो मीर से हुई है मेरे हिसाब से, जैसा कि ये इनकी बहुत मशहूर गजल है जिसको लता जी ने गाया है, आपको मैं सुनाने वाला हूँ अभी। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। मोटा मोटा अगर आप इसकी माने ले तो इट कैन बी लाइक आशिक अपनी माशूक के बारे में कर रहा है। लेकिन अगर सोचिए एक उर्दू शायरी में गजल में खुसन जू मानी होती है, डबल मीनिंग, मतलब डबल मीनिंग नॉट दैट वे बट एक छुपी हुई अंदर मानी होती है, जू मानी जो कहते हैं, कि अगर समझिए कि खुदा इंसान के सामने वाजे हो जाए, मतलब दिखाई दिए, तो क्या हाल होगा इंसान का। वो दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, इंसान बेखुद हो गया, तो बेखुद किया हमें आपसे भी मतलब अपने आप से, अपनी जात से भी जुदा कर चले, क्या बात है। ये लता जी ने बहुत खूब गाया। ये दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। खयाम साहब की मौसिकी, लेकिन ही इज रिटन सम बहुत अमेजिंग रोमांटिक पोएट्री। ये कहते हैं, एक उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या। कह रहे हैं कि इब्तिदाए मतलब शुरुआत है इश्क की, मोहब्बत की, तो रो क्यों रहे हो। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या बात है। और इनका एक बहुत ही वो मुझे शेर बहुत पसंद है और बहुत मशहूर शेर है, हस्ती अपनी हबाब कीसी है। कीसी है मतलब जैसी, इनकी खास बात थी कीसी जैसी, यू नो ये जैसी की बजाय वो कीसी। हस्ती अपनी हबाब किसी मतलब बबल की तरह है, अपनी हस्ती, माई लाइफ, मेरी जिंदगी एक बबल है। ये नुमाइश एक शराब की सी है, ये दुनिया जो है एक एग्जीबिशन की तरह है। और इसी में एक बहुत खूबसूरत रोमांटिक शेर है कि कहते हैं कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, ये बहुत अच्छा है। दीदानी है शिकस्तगी दिल की, मतलब दीदानी मतलब देखना, दीदानी शिकस्ती हार, दिल की हार जो है वो देखने की चीज है। क्यों? क्योंकि क्या इमारत गमों ने ढाई है, मेरे गमों ने क्या इमारत बनाई है, देखने के लायक है मेरी हार। इनका कहने का अंदाज बहुत अलग ही था। बाद मरने के मेरे कब्र पे आया वो मीर, याद आई मेरे ईसा को दवा मेरे बाद। ईसा इज आप जानते हैं डॉक्टर या मसाया, जो ईसा अलैहि सलाम को कहते थे, मसाया को मेरी दवा बाद में याद आई मरने के बाद। चलिए तो हम आपको सुनाते हैं यही गजल लता जी की आवाज में, जो मैं लौटूंगा, यानी कि मैं तलत अजीज, जो आप सुन रहे हैं कारवाने गजल प्रोग्राम में 92.7 बिग एफएम पर। फिर हम बात करेंगे मोमिन खां मोमिन जी, तो मुलाहजा कीजिए। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।